सो गाइस, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो सब्सक्राइब का बटन है इस पर क्लिक करने के बाद जो बाजू में पड़ा बेल आइकन इसे जरूर दबाएं, जिससे जो मेरे फ्यूचर के नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सो यो पंडस, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग हमेशा की तरह ठीक होंगे। सो पंडस लोग, आज हम लोग फिर से एक फेस ऑफ वीडियो करने वाले हैं, मतलब दोनों को दो गेमिंग कैरेक्टर्स का वर्सेस करने वाले हैं। जिस पहले कैरेक्टर का नाम है हमारा सबका गॉड ऑफ वॉर से कैरेक्टर्स, और सेकंड कैरेक्टर का नाम है हमारा सबसे फेवरेट हमारा सबका स्कॉर्पियन। तो इन दोनों का हम लोग वर्सेस करने वाले हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना और शेयर कर देना किसी फेसबुक अकाउंट या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, और अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सोचना मत कि कम सब्सक्राइबर्स यार, जब तक तुम करोगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे, अपनी छाती कैसे चौड़ी होगी, प्लीज़ कर देना। और उसके बाजू पड़ा बेल आइकन दबा देना, जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। सो लेट्स बिगिन। सो देखिए, जब पावर्स की बात आती है तो दोनों के पास ही बहुत पावर्स हैं। तो पहले मैं एमके मतलब मॉर्टल कॉम्बैट के स्कॉर्पियन के बारे में बात करना चाहूँगा। तो बेसिकली स्कॉर्पियन के पास फायर की पावर्स है। जब भी वो किसी को डिफीट करता है, कभी कभार जब भी उसे फैटलिटी या ब्रूटालिटी का उसका टाइम आता है, तो वो बेसिकली अपने जो हेल फायर से अटैक करता है अपने एनिमीज को। और उसके पास एक न्यू पावर भी है, आपने मॉर्टल कॉम्बैट 11 के ट्रेलर में ज़रूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। Just to knock you to the floor, yeah. Let's go blow for blow, yeah. Let's go toe to toe. When it's time to battle, they don't never ever show. When it's time to battle, I'm the first one at the door. At the door, here we go. और तो MK के पास बस इतनी ही सारी शक्तियां हैं, बस दो शक्तियां हैं। और तो हम लोग अब गॉड ऑफ वॉर के बारे में बात कर लेते हैं कि कैरेटॉस के पास कितनी सारी शक्तियाँ हैं। तो कैरेटॉस के पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। एक तो उसका रेज पावर, जब उसे गुस्सा आता है तो पंडित लोग, क्रेटोस के पास और भी बहुत सारे पावर्स है, पोसिडेंस रेज, मेड्यूजेस, गेज, क्रोनोस रेज, लाइट ऑफ डॉन इत्यादि, जैसे जो अपने क्रेटोस के पास इतनी सारी पावर हैं। तो बेसिकली इसलिए इसका विनर जो है क्रेटोस को ही माना जाता है। क्रेटोस मतलब क्रेटोस की स्टार्टिंग से लेकर उसके जो गॉड ऑफ फोर की जो जर्नी थी उसमें उसे बहुत सारे गॉड से पावर्स मिल चुकी थी और उसने बहुत सारी हासिल भी की थी बोल के। कैटॉस के पास बहुत सारी पावर्स है। तो इसका इस राउंड का विनर हम कैटॉस को बोल सकते हैं, क्योंकि आप लोग देख ही सकते हैं उसके पास बहुत सारी पावर्स है। तो इसलिए इस राउंड का विनर हम लोग कैटॉस को मानते हैं। क्रेटोस 1 point। तो देखिए, वीकनेस की जब बात आती है तो हम लोग सबसे पहले जो अपने कैरेटॉस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, कैरेटॉस की कोई वीकनेस है, एक वीकनेस उसकी थी कि उसके नाइटमेयर्स की, मतलब जब उसने उसके अपने वाइफ को मारा था, अपने जब बेटी को मार दिया था अपने मतलब गलती से, तो उसके वो तब से उसके जो उससे नाइटमेयर्स उसके बहुत सताने लगे थे। हाँ, इसकी वो एक वीकनेस थी, लेकिन हाँ बाद में जाके वो इस वीकनेस के कारण बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन गया था। लेकिन मगर जो भी हो, उसकी एक वीकनेस थी, उसके नाइटमेयर्स जो थी अभी भी उसको, लेकिन उसके नाइटमेयर्स उसे सताते, लेकिन हाँ उसकी कैरेक्टर की यही एक वीकनेस उसके नाइटमेयर्स। ये भी है कि वो अपने नाइटमेयर्स के कारण स्ट्रॉन्ग बना था, लेकिन हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते, उसकी एक वीकनेस थी। और जहाँ तक कि स्कॉर्पियन की बात आती है, उसकी कोई वीकनेस है नहीं, जहाँ से आप लोग भी देख सकते हो उसकी कोई वीकनेस नहीं है। बस क्रेटोस की है उसके नाइटमेयर्स की, जो उसके नाइटमेयर्स से उसे डिस्टर्ब करते, मतलब जो उसे बहुत ज़्यादा उसे कमज़ोर कर देते थे, इसकी बस क्रेटोस की एक वीकनेस है। तो इसलिए इस पॉइंट इस राउंड का विनर है अपना स्कॉर्पियन।
Scorpion 1 point. Knock you to the floor. Yeah. Let's go blow for blow. Yeah. Let's go total. तो देखिए जहाँ तक स्मार्टनेस की बात आती है तो स्मार्ट दोनों ही, लेकिन कैरेटॉस जो है कभी कभार अपनी बेवकूफ़ी कर देता है, क्योंकि जब भी उसे गुस्सा आता है तो आप लोग भी देख सकते हैं सम टाइम्स वो कभी कभार जब भी अपना उसे गुस्सा होता है तो अपने वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता है। तभी गॉड ऑफ वॉर में देख सकते हैं, गॉड ऑफ वॉर 4 में वो शांत रहने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि उसे भी पता है अगर उसे गुस्सा उस पर ज़्यादा हावी होता था अपने, तो जब भी उसे गुस्सा आता है अपनी दिमाग के भी वो नहीं सुन पाता, पता है इसके लिए ज़्यादा बड़ा वेपन है। बट जो भी हो स्मार्टनेस में तो ये स्कॉर्पियन अपने दिमाग का बहुत अच्छे से यूज़ करके अपने कॉम्बैट्स को यूज़ करता है, कि अपना कैरेटॉस जो है कुछ कुछ जगहों में नहीं कर पाता है, तो इसलिए इस राउंड का विनर भी हमारा स्कॉर्पियन ही है। स्कॉर्पियन 2 पॉइंट। तो गाइस देखिए जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि स्कॉर्पियन ओनली एक ही वेपन यूज करता है, उसका वो चेन, और हमारा जो कैरेटॉस है वो बहुत सारे वेपन यूज करता है, जैसे ग्लॉफ हैंड, चेन ऑफ ओलंपस और बो ऑफ अपोलो इत्यादि, जैसे वो बहुत सारे कैरेटॉस वेपन यूज करता है, जैसे कि आप लोग यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं, वो बहुत सारे वेपन यूज करता है। तो इस राउंड का विनर है अपना कैरेटॉस। कैरेटॉस 2 पॉइंट। तो पंडित लोग हम लोग लास्ट राउंड में आ जाते हैं, राउंड 5 फेज। तो आप तुम दोनों को आमने सामने रखेंगे कैरेटॉस और स्कॉर्पियन को, और देखेंगे कि कौन जीतेगा। तो जितना मुझे लगता है कि कैरेटॉस जीतेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे वेपन्स एंड पावर्स हैं, और जो स्कॉर्पियन के पास जो है वो नहीं है उतने सारे, बट उसके पास स्मार्टनेस है और वीकनेस उसको कैरेटॉस की अगर पता है तो वो शायद दिमाग लगा के कैरेटॉस को हरा सकता है शायद। लेकिन मुझे जितना लगता है कि कैरेटॉस ही जीतेगा, क्योंकि इतने सारे वेपन्स के सामने स्कॉर्पियन कुछ नहीं कर पाएगा जितना मुझे लगता है। तो आपकी क्या ओपिनियन है आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन अभी के जो हमारे विनर वो है कैरेटॉस। तो इस सो विनर हमारा क्रेटोस है और स्कॉर्पियन हार चुका है। आई एम हंग्री। सो पंडित लोग वीडियो अच्छी लगी है तो यार प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर देना यार, प्लीज़ बहुत मेहनत की है, और सब्सक्राइब भी कर देना अगर यार चैनल में नए हो तो, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। ये मत सोचना कि सब्सक्राइबर्स कम है इस बंदे के मैं नहीं करूँगा, जब तक तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे मैं कितनी बार बोलूँ मेरी छाती चौड़ी कैसे होगी, पहले सब्सक्राइब करो यार प्लीज़। मत सोचो कि छोटा चैनल है, आप अगर तुम लोग जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक ये बड़ा कैसे होगा, प्लीज़ करो। और बाजू में पड़ा बेल आइकन ज़रूर दबा देना, जब भी मैं कोई वीडियोज़ अपलोड करूँ तुम्हारे पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे यार। और शेयर भी कर देना किसी फेसबुक अकाउंट, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, और मेरा मूड बहुत अच्छा है यार, कमेंट बॉक्स में बोलो कि तुम्हें कोई वीडियो चाहिए, मैं पक्का बना दूँ यार, बहुत मूड अच्छा है, प्लीज़ मतलब बोलो यार। बस आज के बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय, अपना ख्याल रखना यार। लेकिन यदि कोई कास्ट करो अपने स्क्वाड पे ट्रस्ट, लेकिन शायद मैं था बेवकूफ जो निकालता सिर्फ अपने बेवफा प्यार के लिए फुर्सत। अगर है तू नूब तो मत कर, तू फिकर तू जरूर करेगा अपनी छाती चौड़ी और ऊंचा करेगा।